आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स. बेटा लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से, पेंडेमिक महामारी की वजह से डेली घर से बाहर निकलना सही नहीं होगा. इट्स बेटर कि हम 5 दिन की 5 days to 7 days की वेजिटेबल्स एट अ टाइम परचेस करें और अपने घर के स्टोरेज में, अपने घर के वेयर हाउस में, द वर्ड वेयर हाउस यानी वेजिटेबल्स के लिए वेयर हाउस हमारा रेफ्रिजरेटर, वो रेफ्रिजरेटर हमारा एक गोडाउन, एक वेयर हाउस है वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए. इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज में, बिग इंडस्ट्रीज में उनके कंटेनर्स प्रोडक्शन के बाद उनके कंटेनर्स लोडेड करके काफी टाइम तक रखे जाते हैं अनटिल द डेट ऑफ कंजम्पशन. यानी प्रोडक्शन के बीच में और कंजम्पशन के बीच में जो गैप होती है ना, वेयरहाउस क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी. आपको टाटा सॉल्ट अभी चाहिए पर आपके लिए टाटा सॉल्ट बनाया नहीं जाएगा, आपके लिए टाटा सॉल्ट बना के रखा गया है और वो वेयरहाउस से धीरे धीरे करके डिस्पैच होगा अनटिल वो आपके घर तक पहुंचे. और उसे कहते हैं वेयरहाउसिंग. देखिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय द वेयरहाउसिंग. जिस तरह से हमारा रेफ्रिजरेटर एक वेयरहाउस है, एक गोडाउन है पेरिशेबल कमोडिटीज का, नो डाउट इट्स अ कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस. उसी तरह से बड़ी कंपनीज को भी अपने स्टोरेज वेयरहाउसेस होते हैं और जहां पे वो मंथ्स की प्रोडक्शन संभाल के रखते हैं. देखिए स्टार्टिंग नंबर 1, फर्स्ट what do you mean by the warehousing and explain the different functions of the warehousing. Warehousing refers to the storage of goods, consist of all those activities connected with the storing and preserving of the goods. Wo goods sambhal ke bhi rakhenge, labeling bhi karenge, naam bhi lagayenge yani ki name and labeling bhi karenge, packing bhi karenge, packaging bhi karenge, sari baatein us warehouse mein, sari baatein us godown mein complete ho jayengi. Again, it means the storing of the goods. Warehousing involves more than storing. लगता सिर्फ ये है कि संभालने के लिए अगर हम कोई जगह बना दें तो उसे गोडाउन कहा जाएगा, उसे वेयरहाउस कहा जाएगा, पर ऐसे नहीं होता. जो जगह संभालने की होती है उसमें बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी, यानी कि मार्केटिंग एक्टिविटीज भी की जाती है, पैकिंग, लेबलिंग एक्सेट्रा. डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन रीड करना चाहूंगा बेटा. देखिए अ वेयरहाउस इज डिफाइंड एज अ एस्टैब्लिशमेंट, उसे बनाया गया है फॉर द स्टोरेज, संभाल के रखने के लिए, और अक्यूमुलेशन, वन एंड द सेम मीनिंग, स्टोरेज या अक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, उसे गुड्स को संभाल के जमा करके रखने के लिए बनाया गया. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. वेयरहाउस इज डिफाइंड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टोरेज, संभालने के लिए बनाया गया, या तो गुड्स को रखने के लिए, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए संभाला गया, बनाया गया. आगे देखिए functions of the warehouse facilitates the large scale of production. Large scale, देखो ना बेटा, simple सी बात है, simple. देखो एक refrigerator में अलग-अलग trays होती है, refrigerator में अलग-अलग trays होती है और अलग-अलग trays पे आप total quantity की vegetables, total quantity की fruits संभाल के रख सकते हो, divide करके रख सकते हो. उसी तरह से warehouse भी काफी बड़ी area में spread होते हैं, जैसे उनमें कंटेनर्स के कंटेनर्स, ट्रक्स की ट्रक्स लोडेड करके संभाल के रखी जा सके. वेयरहाउसिंग मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर द लार्ज स्केल ऑफ द प्रोडक्शन. द एक्सेस स्टॉक कैन बी कन्वीनियंटली स्टोर्ड. जो ज्यादा बना चुका है, जो कंजम्पशन नहीं हुआ है, जिसकी डिमांड भी नहीं हुई है, जो स्टॉक हमने ज्यादा बनाया है, द एक्सेस स्टॉक कैन बी कन्वीनियंटली स्टोर्ड टिल इट इज डिमांडेड इन द मार्केट. जब तक मैंगोस की मार्केट में डिमांड होगी, धीरे धीरे करके वो मैंगोस को कल्टीवेशन के बाद उन्हें वहां पे धीरे धीरे करके प्रिजर्व किया जाएगा, संभाल के रखा जाएगा, कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस में उन्हें संभाला जाता है, क्योंकि मैंगोस कम्स अंडर द पेरिशेबल गुड्स. आगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करें तो स्टेबल द प्राइसेस. देखिए डिमांड और सप्लाई, बेटा डिमांड वो है जो हम करते हैं, हम यानी कंज्यूमर्स, कस्टमर्स. सप्लाई वो है जो इंडस्ट्री और फैक्ट्री से प्रोडक्शन होके आता है, उसे
पैसे के सप्लाई, यानी आपको 10 केजी मैंगोस चाहिए और उन्होंने 10 केजी प्रोडक्शन किए तो डिमांड एंड सप्लाई शुड बी सेम। उसी तरह से अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, यानी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई भी डिमांड की तरह इक्वल है तो प्राइसेस मार्केट में एकदम स्टेबल रहेंगी। उस तरह से जिस तरह से ओनियंस की जितनी डिमांड होगी उतनी उसकी सप्लाई होगी, जितनी डिमांड होगी उतनी वेयरहाउस से गोडाउन से उनकी ट्रक्स लोडेड होंगी और मार्केट में अनलोड होंगी। गोडाउन से ट्रक्स लोड होंगी, मार्केट में अनलोड होंगी, तो मार्केट में कंटिन्यू 365 डेज ओनियन की सप्लाई होगी। उसकी वजह से प्राइसेस नहीं बढ़ने दी जाती है। बट अगर इसका उल्टा करो ना, ब्लैक मार्केटिंग या होल्डिंग ऑफ द गुड्स, तो फिर स्टॉक बढ़ जाता है, फिर प्राइस बढ़ जाता है। रीड कर रहा हूं मैं इन बातों को, देखिए नंबर सेकंड, स्टेबल द प्राइसेस, वेयरहाउसिंग बैलेंसेस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। आपको डिमांड और सप्लाई बैलेंस करना है। आगे, व्हेनेवर देयर इज अ मोर डिमांड, जब जब ज्यादा डिमांड होगी, स्टोर्ड गुड्स कैन बी सप्लाई, दिस स्टेबल द प्राइसेस। आपकी डिमांड को अल्टीमेटली वो वेयरहाउस की प्रोडक्शन सप्लाई प्रॉपरली करेगी। नेक्स्ट थर्ड, इकोनॉमी ऑफ द ट्रांसपोर्ट। बेटा एक शॉप के लिए, जस्ट फॉर अ सिंगल शॉप के लिए हम बार बार ट्रक्स गोडाउन में लोड और अनलोड नहीं कर सकते। एक शॉप के लिए बार बार वो ट्रक मार्केट में नहीं आएगी, बट ओवरऑल फुल मार्केट के लिए, सारे शॉप्स के लिए, सब डीलर्स के लिए वो वेयरहाउस से क्वांटिटी एट अ टाइम मंगाई जाएगी और पूरे होलसेल मार्केट में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो ना बेटा, एक रिटेलर जो ओनियंस की डिमांड कर रहा है होलसेलर से, तो एक रिटेलर की वजह से अगर आप पूरे वेयरहाउस में से बार बार डिस्ट्रीब्यूशन करो तो आपको कॉस्ट ट्रांसपोर्ट की ज्यादा पड़ेगी। पर अगर आप ओवरऑल मार्केट के लिए एक बार गुड्स लोड कर रहे हो और मार्केट में अनलोड कर रहे हो, तो उससे आपकी लागत, उससे आपका पेट्रोल का खर्चा, उससे ड्राइवर की सैलरी वो कम पड़ेगी, क्योंकि टर्नओवर जितना बार बार होगा ना उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी। अगर एक ही टर्नओवर में आप पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो आपकी कॉस्ट कम करेगा। देखिए रीड कर रहा हूं मैं इस पॉइंट को, वेयरहाउसिंग कैन ऑफर द इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्ट, स्मॉल ऑर्डर्स कैन बी पूल्ड, दिए जा सकते हैं, पूल्ड यानी वो कवर्ड हो जाएंगे, एंड स्टोर्ड द गुड्स कैन बी इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट इन वन लॉट एट अ टाइम। अगर एट अ टाइम गुड्स मार्केट में आए तो धीरे धीरे करके वो ट्रांसपोर्ट, धीरे धीरे करके वो ट्रक पूरे मार्केट में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, widens the market, यानी मार्केट और भरा होता जा रहा है, रिटेलर्स और आते जा रहे हैं, बिजनेसमैन और आते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्टोर करने की, प्रोडक्शन के बाद रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स बनने के बाद वो चीजें स्टोर करोगी, उसका टेंशन नहीं है, उसके लिए वेयरहाउस है। आप सिर्फ प्रोडक्शन करो, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करो, अल्टीमेटली उन्हें स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए वेयरहाउसेस बनाए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट हाउसेस की तरफ से भी। देखिए, By storing the goods, the company can cater, यानी संभाल सकती है, पॉप सकती है, to the large market. Goods can be stored in the various cities and towns. अलग-अलग cities में, अलग-अलग towns में, बड़ी-बड़ी industries के, बड़ी-बड़ी factories के, अपने owned private warehouses होती, और वो private warehouses अलग-अलग towns में, हर जगह पे रखे जाते हैं, जैसे local area, region to region, वो easily distribute हो। आगे, cities and towns, there is a demand for the goods. जब जहां पे demand होगी तब वहां पे supply होगी, जब जहां पे demand होगी तब वहां पे supply होगी। Next, facilitates the finance of the business. पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं इस point को। Warehousing of a goods also enables to obtain the finance from the banks. Banks grants the loan against the security of the goods. बेटा आपके गोडाउन में, आपके गोडाउन में जितना स्टॉक ज्यादा उतनी आपके पास असेट ज्यादा। आपके गोडाउन में 2 crore का 2 CR का 2 crore का स्टॉक पड़ा है, यानी आप कम से कम 2 crore के स्टॉक के मालिक हो। 2 crore के पीछे बैंक वाले आपको इजीली 1.5 crore तक लोन गिरवी दे सकते हैं, यानी आपका स्टॉक उनके पास गिरवी होगा, ओनरशिप वो होगी, भले आप धीरे धीरे सेल करते जाओ और धीरे धीरे ब्याज भी बढ़ते जाओ। उसकी वजह से जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना ज्यादा आप मार्केट
मार्केट में बैंक से लोन ले सकते हो। देखिए सिंपल, वेयरहाउसिंग ऑफ अ गुड्स इनेबल्स टू ऑब्टेन द फाइनेंस फ्रॉम द बैंक्स। आपको फाइनेंस दिया जाएगा, आपको मदद की जाएगी। बैंक ग्रांट्स द लोन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। जब तक गुड्स को मॉर्गेज में नहीं रखा गया, जब तक गुड्स को गिरवी नहीं रखा गया, गिरवी रखने के बगैर वो बैंक आपको लोन सेंक्शन अप्रूवल नहीं करेगी। नेक्स्ट सेफ्टी, सेफ्टी है बहुत ज्यादा, खास करके तो पेरिशेबल कमोडिटीज। बेटा पेरिशेबल कमोडिटीज यानी वो कमोडिटीज जो विद इन टू डेज, वो कमोडिटी जो विद इन फ्यू डेज कंसम्पशन करनी पड़ती, उन्हें कहते हैं पेरिशेबल कमोडिटी। जैसे तो आप ब्रेड परचेस करोगे, चाहे भले वो विप्स कंपनी की हो, चाहे भले वो ब्रिटानिया कंपनी की हो या किसी भी कंपनी की हो, तो बेटा कंसम्पशन यूज बाय लिखा रहता है, यूज बाय टिल नेक्स्ट थ्री डेज। पर्टिकुलर डेट मेंशन होती है, तो जो दो दिन के अंदर कंज्यूम करनी है, जो तीन दिन के अंदर कंज्यूम करनी है, उससे कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। आपकी वेजिटेबल्स पेरिशेबल गुड्स, आपके फ्रूट्स पेरिशेबल गुड्स। देखिए रीड कर रहा हूं मैं, पेरिशेबल आइटम्स लाइक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लाइक फिश मीट कैन बी प्रिजर्व इन द कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस, जहां पे अलग अलग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, मीट को, फिश को रखा जाता है। तो ऐसे चीजों के लिए जो काफी ज्यादा सेंसिटिव, जो काफी ज्यादा पेरिशेबल कमोडिटीज है, इनके लिए वेयर हाउसेस ही अलग होती है। बाकायदे उस बर्फ की लादी पे, वो बर्फ की पूरी ट्रे पे ऐसे गुड्स रखे जाते हैं, जैसे उनमें कोई भी टेस्ट में चेंज नहीं है। अगर टेस्ट में चेंज आया तो मार्केट में वो सेल नहीं होगी। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं, आपकी सेवेंथ के बाद एट्थ पॉइंट पे, सेवेंथ पॉइंट फैसिलिटेट्स द स्टोरिंग ऑफ द गुड्स। इट स्टोर्स द गुड्स फ्रॉम डेट ऑफ प्रोडक्शन टिल द डेट ऑफ कंजम्पशन। वेयर हाउस का जो सफर रहता है ना, सफर वो दो स्टेशन के बीच का होता है, दो स्टेशन, एक प्रोडक्शन, एग्जाम्पल एक स्टेशन है, और एक कंजम्पशन, यानी प्रोडक्शन के बाद वो गाड़ी स्टार्ट होगी वेयर हाउस की और लास्ट कंजम्पशन तक जाके रुकेगी, कंजम्पशन के बाद वो खत्म हो जाएगी। यानी प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन के बीच का जो सफर होता है ना, वो वेयर हाउस तय करता है। इसके बाद गुड्स बन चुके तो कंजम्पशन जब तक हो, वो गुड्स वेयर हाउस में प्रिजर्व संभाले रखे जाएंगे। नेक्स्ट इट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी यानी क्या? देखो सिंपल सी बात है बेटा, जून जुलाई अगस्त ये तीन महीने आपको जरूरत लग रही है, जरूरत के अम्ब्रेलास होने चाहिए। ये तीन महीने आपको फील हो रहा है कि रेनकोट्स पहन के हम घर से बाहर निकलेंगे, अम्ब्रेलास के बगैर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो तीन महीनों तक ही ऐसे क्यों? क्योंकि आप रेनकोट्स, आप अम्ब्रेलास सीजन के हिसाब से यूज करो और सीजन के हिसाब से सुख ले रहे हो, सीजन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपको अम्ब्रेलास और टाइम के हिसाब से आपको रेनकोट्स यूटिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें टाइम के वजह से गोडाउन में, वेयर हाउस में रखा गया। उसे कहते क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। और ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कवर करके आएगा, फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू महाराष्ट्र, तो उसे कहते प्लेस यूटिलिटी। देखिए रीड करो मैं, इट क्रिएट्स द टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एज व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ी तब। आगे इट क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी बिकॉज द गुड्स आर मेड अवेलेबल एज व्हेन दे आर रिक्वायर्ड और डिमांडेड, जब डिमांड हुई, जितने की डिमांड हुई उतने की पूरी ट्रांसपोर्ट की वो ट्रक, पूरी ट्रांसपोर्ट की वो व्हीकल्स मार्केट में डिस्प्ले की जाएंगी, डिस्प्ले यानी डिस्पैच की जाएंगी। आगे नेक्स्ट सिंपली, सिंपली लास्ट पॉइंट आपकी लिखी हुई है मीटिंग, मीटिंग द सीजनेबल गुड्स। सीजनेबल गुड्स यानी बेटा मैंगोस, सीजनेबल गुड्स ग्रेप्स, सीजनेबल गुड्स जो खास करके ऑरेंजेस यानी ऐसे फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, ऐसे फ्रूट्स जो सीजन के हिसाब से हमें चाहिए, हमें जरूरत लग रही है कि समर वेकेशन आया है तो मैंगोस कंज्यूम करें, अच्छा विंटर वेकेशन आया तो स्ट्रॉबेरीज कंज्यूम करें, ऐसी सिचुएशन के हिसाब से वेयर हाउस बहुत ज्यादा सूटेबल है। They may be the certain goods which are required to consumers only in a particular season, such as umbrellas in a rainy season. आप लिख सकते हो mangoes in a summer season, strawberries in a winter season. आगे however the manufacturer can maintain the continuity in production, continue production होती जाएगी
अम्ब्रेलास बनाने वाली कंपनी कंटिन्यू 9 मंथ्स तक बैठ के प्रोडक्शन करती है। लास्ट के 3 महीने जून जुलाई अम्ब्रेला मोस्टली मार्केट में सेल होती है बाय स्टोरिंग द गुड्स इन द वेयर हाउस। 10th पॉइंट, आपकी 10th पॉइंट भी है बेटा लास्ट, प्रोवाइडिंग द सीजनल गुड्स, सेम ही है एक्चुअली, सेम ही है वो पॉइंट, आप पढ़ सकते हो, फिर भी मैं रीड कर दे रहा हूँ। देखिए, गुड्स मे बी प्रोड्यूस्ड सीजनली सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हाउएवर दे मे बी रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर, उसे पूरा साल संभाल के रखा जा सकता है। बेटा राइस, राइस ग्रोन होते हैं खास करके रेनी सीजन में, आर फॉर राइस आर फॉर रेनी सीजन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12 महीने ही वो चावल की प्रोडक्शन होती, इसका मतलब ये है कि कुछ खास मंथ में उनकी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाती है और मैक्सिमम प्रोडक्शन के बाद उन्हें स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है ऐसे टाइप के वेयर हाउसेस में फॉर द थ्रू आउट द ईयर 12 महीनों के कंजम्पशन के लिए। सच एज द फ्रूट्स vegetables, however they may be required throughout the year. The producer can produce such goods throughout the year by storing the goods in a suitable warehouse, जो जिस commodity के लिए, जो जिस चीज के लिए suit हो रहा है उनके लिए। Last quote of the day, बेटा quote of the day के बाद आपका lecture successfully complete हो जाएगा। देखिए, if you do it, अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, आपने किसी काम को करने का निश्चय लिया है, इफ यू डू इट 100%, उसे पूरी एंथुसियाज्म के साथ करो, पूरी कंसंट्रेशन के साथ करो, उसके अलावा और कोई भी काम आपको नहीं दिखना चाहिए, पूरे दिन की रिजल्ट द अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन आपको उस काम से मिलेगा, चाहे भली वो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, चाहे भली वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे भली वो आपका डेली घर का काम हो, डू इट वेल, डू इट विद 100%। That's sufficient for today. We'll again meet tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.